नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि दैनिक भास्कर ऐप में आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और इससे संबंधित क्या समस्या है आपकी, वो कमेंट आ रहे हैं मुझ पर। तो इससे संबंधित मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं दैनिक भास्कर से, और अपनी शिकायत या अपने सुझाव कैसे दैनिक भास्कर तक पहुंचा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस ऐप को और बताते हैं आपको किस तरह से काम करता है ये। ओपन करने के बाद में दैनिक भास्कर के ऊपर की तरफ थ्री लाइंस का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे, इस स्लाइड मेनू के बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा 24/7 हेल्प, यानी कि इंग्लिश में है तो हेल्प लिखा होगा, और यहाँ हिंदी में इंटरफेस है तो आप सहायता देखेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जो कि है डिजिटल दैनिक भास्कर न्यूज़ हब .com का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दे रखे हैं जो कि किसी अलग टॉपिक पे है। पर ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क साधने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने किसी भी प्रकार के सवाल या अपने फीडबैक के साथ में किसी भी तरह की शिकायत है तो वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जिससे संबंधित आप पूछना चाहते हैं वो सवाल या आपकी शिकायत यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित स्क्रीनशॉट या फोटोज़ है तो वो लगा सकते हैं यहाँ पर अटैच फाइल करके। और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे आपको मिलेगी कैटेगरी, और इस कैटेगरी में आप देखें तो तंबोला से संबंधित, कूपन में समस्या, खबर के साथ कोई समस्या है, इशू विथ न्यूज़ यानी कॉपीराइट उल्लंघन है, कॉपीराइट से संबंधित कोई शिकायत है, नीचे लिखेगा शिकायत कंप्लेन कर सकते हैं, ऐप की समस्या है तो भी आप यहां से कर सकते हैं, कोई अन्य फीडबैक या सुझाव यहां से देना चाहते हैं तो यहां से आप दे सकते हैं इस कैटेगरी को चुन करके। तो दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज ये जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो चली जाएंगी, और आपको रिटर्न मेल मिलेगा और वहां पर लिखा होगा कि आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, उस टोकन के आधार पर आपकी शिकायत का निस्तारण दैनिक भास्कर द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप कई बार कोई विन किया है आपने कुछ और उससे संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। इससे संबंधित और भी मुझे जानकारी मिलेगी जो आप संपर्क साध सकते हैं दैनिक भास्कर से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस चैनल पर। इसलिए आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।